हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी नहीं हूँ। आज मन अजीब सा हो रहा है, उदास सा, पता नहीं क्यों। मुझे नहीं पता रीज़न क्या है क्या नहीं है। मेरा तो काम भी पूरा ऐसे ही पड़ा है, मतलब झाड़ू पोछा वगैरह हो गया, कपड़े भी धुल गए, पर फिर भी ना अजीब सा हो रहा है अंदर से। मन समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा मुझे, कुछ अजीब सा ही हो रहा है। तो मैंने काम करने का तो मन नहीं कर रहा था, सोचा थोड़ा सा फ़ोन लेके आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ये साड़ी मैंने धो ली जो मैंने करवा चौथ पे पहनी थी, ये मैंने वॉश कर दी है, सूख गई है ये, और तो ये मैंने अंदर रख दिया। और बाकी कपड़े भी बाहर ही पड़े हैं। मैं बर्तन धो रही थी तो आधे बर्तन धुल गए, आधे रह गए, तो फ़ोन आ गया था तो फ़ोन उठाया, फिर इसके बाद बर्तन धोने ही नहीं गई मैं। पर बोल रही हूँ ना, अजीब सा हो रही है फीलिंग, समझ नहीं आ रही क्या। 10 बज रहे हैं और सुबह के, चाय पी है बस मैंने भी, और कुछ नहीं खाया पिया, सिर्फ चाय पी है। करती हूँ काम, काम नहीं करूँगी तो कैसे चलेगा फिर ना। पूरा घर पड़ा रहता है ना ऐसे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक होता है ना काम करके निफ्राम होके बैठ जाओ, अब बैठ जाओ तो ये लगा रहेगा अरे ये काम पड़ा है वो काम पड़ा है। अगर घर पे कोई पीछे से आ जाए, मतलब अभी आ जाए, कहेगा अरे इस बहू का तो काम ही नहीं निपटा अभी तक, सुबह से पता नहीं क्या कर रही थी। अरे आपको तो पता है लोगों की सोच, और वैसे भी गांव के लोगों की सोच तो और महान होती है। ये जा चुके हैं, मतलब आज ये अभी ड्यूटी नहीं गए हैं, ये किसी के साथ, किसी का कुछ काम था तो उनके साथ गए हैं। अब अगर वहाँ से जल्दी फ्री हो जाएंगे तो ये वहीं से वहीं ड्यूटी चले जाएंगे, और अगर काम देर से निपटा तो फिर तो घर ही आएंगे। तो ये है, और पानी आ रहा है, मोटर चल रही है, तो मैंने सोचा इसीलिए कपड़े धो देती हूँ, पानी आ रहा है, टंकी साथ के साथ भर जाएगी, तो कपड़े धुल गए, अब टंकी में पानी चल रहा है। तो चलो मैं बर्तनों को भी वॉश कर लेती हूँ और एक बार सारी डस्टिंग कर देती हूँ दोबारा से, फिर एक बार सारी में दोबारा से झाड़ू लगा दूँगी, तो मेरा काम पूरा फिनिश हो जाएगा। और अगर आपको मेरा व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं यार, प्लीज़ लाइक कीजिए। आप देखते हैं लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं वीडियोस को, क्यों नहीं करते मुझे नहीं पता यार, मैं आपको कैसे समझाऊं। आपके लाइक करने से ना और आपके सब्सक्राइब करने से, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं मेरी वीडियो को, यार इतना मोटिवेशन मिलता है। आजकल मैं थोड़ा सा इस वजह से भी अपसेट चल रही हूँ कि मैं इतनी अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सब कुछ अच्छा अच्छा करूँ, पर मुझे वो ग्रो नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए थोड़ा सा अभी मूड अपसेट है। तो चलो थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ, कहीं जाइएगा नहीं। और बस अभी शार लेके, मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, ना सिरम ना पिरम, कुछ नहीं, ऐसे ही हूँ। और अब मैं काम करके फिर ही लगाऊंगी सिरम वगैरह, तो चलो काम कर लेती हूँ। तो काम पूरा फिनिश हो गया है, बस अब मैं आटा मांड के रखती हूँ, अगर जब भी आएंगे तो रोटी बना दूँगी, और बाकी सारा काम हो गया। बेडशीट लगानी रह रही है मतलब उस पर बेड पर, बाकी पूरा काम फिनिश हो गया। तो चलो आटा लगा लेती हूँ। लगा के रख देती हूँ आटा मांड के, अब इनका पक्का नहीं है कब तक आएंगे या वहाँ से डायरेक्ट ड्यूटी चली जाएंगे, कुछ पक्का नहीं है, पर मैं रख देती हूँ अपनी तरफ से लगा के, ताकि अगर आ जाएं तो फटाफट से रोटी बना के दे दूँ, क्योंकि अगर आधे से। और मैं आटा मांडते वक्त इसमें नमक डालती हूँ, कई लोग होते हैं नहीं डालते हैं, पर मैं डालती हूँ, थोड़ा सा डाल लेती हूँ तो ना टेस्ट, हमें तो टेस्टी लगती है रोटी, कई लोग होते हैं नहीं डालते हैं, तो मैं तो डालती हूँ नमक। फिर चावल फ्राई कर रही हूँ, एक प्याज ली और एक हरी मिर्च, और ये चावल में नमक और लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है मैंने। पर सूट है जो ये मेरे लिए करवा चौथ के लिए लेकर आए थे, पर ये मैंने पहना नहीं, मैंने साड़ी पहनी थी जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर की है वीडियो। और ये इसकी चुन्नी, ये इसका प्लाजो सेट है, तो मैं सोच रही हूँ कल अहोई है तो मैं इसको पहन लूँ। वैसे मेरे पास और भी कपड़े रखे हैं जो मैंने अभी तक नहीं ही पहने हैं, बिल्कुल नए कोरे के कोरे रखे हैं, बिल्कुल के बिल्कुल नए सूट हैं वो, तो वो भी हैं, देखती हूँ क्या पहनती हूँ। और ये वो सूट है, मैंने आपको दिखा दिया, पूरा खोल के दिखाऊँ आपको,
मैं एक मिनट ट्राईपॉड लेके आती हूँ उस कमरे से, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का सूट है, इसके गले पे वर्क हुआ हुआ है और यहाँ नीचे, और बाकी नीचे से बिल्कुल प्लेन है और नीचे बस इसके यहाँ पे बॉर्डर दिया है। और ये बाजू इसके साथ इसके कपड़े की थी, इसी कपड़े की बाजू थी, हाफ स्लीव थी, तो मुझे ज़्यादा ये हाफ स्लीव पसंद नहीं आती, तो मैंने फिर ये नेट की बाजू अपने पास से खुद नेट खरीद के दी थी मैंने टेलर को। और जो इसके साथ का जो बाजू का कपड़ा था वो मैंने इसमें आगे, उन्होंने तो कम लगाया, मैंने थोड़ी चौड़ी बोला था बॉर्डरिंग को ये करने के लिए कि थोड़ा चौड़ा रखना आगे थे, पर उन्होंने ये सिर्फ इतनी सी पट्टी लगा दी, मैंने उन्हें कम से कम इतनी पट्टी बोली थी तो लुक ज़्यादा अच्छी आती, पर उन्होंने इतनी लगा दी। और इवन मैंने पहना नहीं, और एक बाजू उन्होंने उल्टी लगाई है और एक सीधी लगाई है, जैसे कि इसमें मोतियों का काम है इस नेट में, तो ये मोती इस बाजू के तो ऊपर है, इस वाली बाजू के मोती अंदर हैं, तो ये वापस जाएगा, मतलब भैया से फिटिंग कराने, जिनसे फिटिंग कराई है वो इसे दोबारा से सही करके देंगे, पता नहीं कैसे सही करेंगे ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि नेट पे से सिलाई उधेड़ना बहुत रिस्की काम होता है, क्योंकि नेट बहुत जल्दी फट जाती है धागा खींचते वक्त। और ये इसका प्लाजो है, लेगी मैं आपको इसकी दिखा चुकी हूँ, बिल्कुल प्लेन है, ऑरेंज कलर की ये इसका प्लाजो है, और इसमें यहाँ पे नीचे इस तरीके से कढ़ाई सी है थोड़ी, और ये बिल्कुल जैसे सूट में नीचे बॉर्डर दिया गया है तो इसी तरीके से प्लाजो में भी नीचे बॉर्डर दे रखा है। तो ये हमें पड़ा है 1800 रुपये का, और इसमें जो फिटिंग वगैरह उन्होंने करा के दी तो उन्होंने इसका चार्ज भी लिया है 220 रुपीज़ कुछ ऐसे करके लिया है। तो ये पड़ा, ये इसका प्लेन दुपट्टा है, मतलब ज़्यादा कोई काम नहीं है, बस इसमें ये छोटी छोटी बूटी बनी हुई है और साइड में गोटा लगा हुआ है, लेस लगी हुई है, बस और कुछ नहीं है, इसमें प्लेन है, बस यही है। और ये सारे कपड़े मुझे रखने हैं, साड़ी जो करवा चौथ पे पहन के मैंने वॉश कर दी है, घर में ही वॉश कर ली मैंने, सर्फ में भिगो के। और आप मुझे गैस करके बताना मेरी साड़ी कितने की है। आप सभी को मैं ये टास्क दे रही हूँ, टास्क ही समझ लीजिए, कि जो मैंने करवा चौथ पे साड़ी पहनी है वो कितने की है, आप सभी के लिए टास्क है, ये टास्क समझ लो या कुछ भी समझ लो, क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को करना है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके, कि जो मैंने करवा चौथ पे साड़ी पहनी थी वो कितने रुपए की है, आप सभी को बताना है, ठीक है। और मैं दिखा देती हूँ कौन सी साड़ी पहनी थी मैंने करवा चौथ पे, ये वाली साड़ी पहनी थी। और जिसने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए यार, मैं फर्स्ट टाइम थोड़ा सा मैंने मेकअप करने की कोशिश करी है उस ब्लॉग वीडियो में, आता नहीं है। ये वाली साड़ी थी, वो जो रेडी 1 मिनट साड़ी बोलते हैं, जो बंदी बनाई साड़ी थी वो वाली साड़ी थी। तो ये इसका पल्ला इस तरीके से था, और ये इसकी प्लेटें थी। तो ये साड़ी बताइए कितने की थी, ये मैंने करवा चौथ वाले दिन पहनी थी। और सेम ऐसी मेरे पास एक और साड़ी है, पर वो थोड़ी सी डिफरेंट है, पर है कुछ कुछ इसी तरीके से, इसी कपड़े में है, कलर उसका डिफरेंट है, और जो उसकी बॉर्डर है ये इतने हेयर फॉर्म नहीं किया। एक्चुअल में मैं सुबह का काम करके निकली और अब मेरे घर पे कोई आ गया था, वो जस्ट अभी गए हैं, कोई लेडीज़ आ गई थी पड़ोस की ही, और तो उनसे बातें करने लगी तो टाइम निकल गया, फिर ये कपड़े वगैरह उतार के लाई सारे जो आज वॉश किए थे, करवा चौथ के पहले धोए थे मैंने, करवा चौथ थर्सडे की थी, मैंने वेडनेसडे को कपड़े धोए थे, उसके बाद से आज कपड़े धोए हैं। तो फिर यार कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि तुम दो ही जने हो तो तुम्हारे कितने कपड़े होते होंगे, पर यार दो जने हैं, सुबह वो ऑफिस जाते हैं फिर रात को आके टी शर्ट लोअर जो भी पहनते हैं वो, ऐसे ही मेरा भी है, सुबह जो कपड़े पहनते हैं सूट सलवार, और उसके बाद रात को मैं टी शर्ट वगैरह चेंज कर लेती हूँ, तो इस तरीके से यार 3-4 दिन के कपड़े हो जाते हैं तो ज़्यादा हो ही जाते हैं। बेड शीट वगैरह मैं साथ में जिस दिन कपड़े मशीन लगाती हूँ, मैं चाहे एक दिन छोड़ के लगाऊँ चाहे 2 दिन छोड़ के लगाऊँ, तो मैं उस दिन बेड शीट भी धोती हूँ, टॉवल्स वगैरह, मतलब मैं सारी चीज़ धो देती हूँ, मैं ये नहीं कि ये रख लूँ बाद में धो दूँ बाद में धो दूँ। और इवन आज एक कपड़ा मैंने संदूक के ऊपर जो मैंने कपड़ा बिछाया हुआ था वो धोना था, वो रह गया, और जब मैं उधर जाके देखने लगी तो वो रखा रह गया, मैंने कहा ये तो मैं भूल ही गई, अब वो नेक्स्ट अब जब मैं मशीन लगाऊंगी तो उसे वॉश करूंगी। और मेरे को ना पर्दे भी हो रहे हैं, एक्चुअली मैं पर्दे चेंज करने की सोच रही हूँ, पर घर में काम लगे तो मैं सोची उसके बाद ही करूँ ये सारा काम,
और चलो आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, आज बातें ही बातें करती जा रही हूँ आप लोगों से मैं, क्योंकि मुझे सारा समेटना है। और ये नहीं आए, मतलब ड्यूटी भी नहीं गए हैं, और ये जिनके साथ काम पे गए हुए हैं, मतलब जिनका काम था उनके साथ गए हुए हैं, वो काम अभी हुआ नहीं है। और मैंने इन्हें कितने बजे, शायद 1 बजे कॉल किया था, तो कह रहे कि हाँ अभी बिजी हैं, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, तो अभी तक आए नहीं हैं। देखो क्या होता है, अब मैं एक बार और कॉल करूँगी इन्हें, क्योंकि खाना नहीं खा के गए आज ये, ना इन्होंने नाश्ता किया है, लंच तो लेके ही नहीं गए, जब ऑफिस नहीं गए, ड्यूटी नहीं गए, नाश्ता भी नहीं किया, सिर्फ आज ही चाय पी के ही गए थे कि थोड़ी देर का काम होगा तो आ जाएंगे, पर अभी तक नहीं आए। तो चलो मैं इनको समेट लेती हूँ, फिर आपसे बातें करती हूँ। तो मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, तो भिंडी काट रही हूँ बैठ के, और आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं किया है। आज मन ही अजीब सा हो रहा है, मतलब ऐसा कोई चाहिए जिससे खुल के मन की बात करूँ, पता नहीं अंदर से कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्यों, पता ही नहीं है क्यों। मैं भिंडी काट रही हूँ और 5:30 हो चुके हैं, तो मैंने कहा इतनी भिंडी वगैरह काटेंगे, और ये आ गए हैं, इन्होंने चाय वगैरह, मतलब चाय बनाई थी इन्होंने, चाय पी ली, और अभी नीचे गए हैं। स्कूटी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो उसे चेक कराने के लिए गए हैं, पता नहीं क्या बता रहे थे कि रेस अपने आप हो रही है, कुछ ऐसे करके बता रहे थे, मुझे नहीं पता, तो वो ठीक कराने के लिए गए हैं। आटा लगा के रख दिया था मैंने सुबह ही कि आएंगे, पर ये आए नहीं, तो आटा तो जब ही का रखा हुआ है, तो लगाने की ज़रूरत नहीं है मुझे आटा, बस सब्जी बनानी है और रोटी बनानी है, बाकी तो सारा काम मेरा हुआ ही हुआ है। बस बर्तन धोने, थोड़े से जो चाय वगैरह के बर्तन पड़े हैं वो धोने हैं, बाकी सारा मेरा काम फिनिश है। और अंदर से बहुत अटपटा सा मन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्यों क्यों क्यों, आई डोंट नो व्हाई। किस किस के साथ कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ तो बहुत बार हो जाता है ऐसे कि बहुत अजीब सा मन हो जाता है, कभी कहता है कि कोई ना बोले, हम एकांत में बैठे हों, कोई हमसे बात ना करे, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आज अजीब से उछट रहा है मन, आज मम्मा से भी बात नहीं हुई मेरी सुबह से। सुबह जब काम से निपटी थी मैं, मैंने आपको बोला था कि बेडशीट बिछानी रह रही है, तो वो बिछा के निपटी, फिर घर पे कोई आ गई थी तो वो बैठी रही, और वो 1:30 बजे के अराउंड गई, फिर उसके बाद मैं अपने काम में लग गई, कपड़े वगैरह उतार के लाई, मैंने आपके साथ शेयर किया, साड़ी वगैरह दिखाई आपको, मतलब वो साड़ी दिखाई थी, आपसे मैंने पूछा भी है कि वो कितना है उसका प्राइस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको उसका एक्चुअल प्राइस बताऊंगी, तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि वो कितने की साड़ी है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा यार, मैं देखना चाहती हूँ कि कोई अंदाज़ा, मैं ना कभी कपड़ों का अंदाज़ा नहीं लगा पाती कि ये कितने का होगा, कभी नहीं लगा पाती, पर ये लगा लेते हैं कि ये इतने का होएगा, मेरी मम्मी वगैरह सब लगा लेते हैं यार, पता नहीं मम्मियों को कैसे पता चल जाता है कि ये कपड़ा इतने का ही होएगा, मुझे नहीं पता चलता, अगर मुझे कोई कहेगा ना कि ये इतने का, तो हाँ इतने का होगा, मुझे तो ये लगता है। तो चलो 7:30 हो गए हैं, रोटी बना दी, सब्जी बना दी, और जब मैं सब्जी की, और आज तुम बता नहीं मैं क्या से क्या काम कर रही हूँ, जब मैं भिंडी की सब्ज़ी काट रही थी तो मैं क्या बेवकूफ़ियाँ कर रही थी, पता बता तो दिया है मैंने आपको सुबह से, आज अजीब सा ही मन है, फीलिंग अजीब सी है, मन नहीं लग रहा, तो सब्ज़ी काटते काटते जो सब्ज़ी की डंठल होती है वो भी मैं जो मतलब प्लेट रख के बैठती हूँ, जिसमें मैं छिलके वगैरह एक जगह रख देती हूँ, तो मैं डंठल के साथ साथ जो भिंडी है उसी में डंठलों के साथ ही काटे जा रही थी, मेरा दिमाग फिर अचानक से मैंने गौर किया कि मैं कर क्या रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ। और कस्तूरी मेथी, जब सब्ज़ी छाकने लगी तो कस्तूरी मेथी मैंने मसाले एक कटोरी में कर रही थी सारे, तो कस्तूरी मेथी जो मैंने प्याज काट के रखी हुई थी उसमें डाल रही थी, मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा काम कर रही थी आज मैं, पता नहीं क्यों, तो शायद इसी वजह से। और मैंने आज दवाई भी नहीं ली, मैं भूल ही गई दवाई लेना, आँखों की दवाई है मेरी, तो मैं दवाइयाँ लेना भूल गई आज, अभी मैंने खाना नहीं खाया है, अब खाना खाऊंगी थोड़ी देर में, और अब मैं थोड़ी देर में मतलब आपसे बात करने के बाद मम्मा से बात करूंगी और फिर खाना खाऊंगी। तो यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, अब तो मैं उम्मीद भी नहीं करती हूँ कि
आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे या कमेंट करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे, आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कर देना चैनल, और अगर और वीडियो ऐसी देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो चलिए आपसे कल मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपने अपना कीमती समय देकर मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा यानी एंड तक देखा, उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।